राष्ट्रीय ध्वज, कौन सा लेसन है? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। तो ये क्या है? पत्र है। क्या है? पत्र है। एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को पत्र लिख रहा है, लेटर लिख रहा है। कैसे? B51 राजेंद्र नगर पटना दिनांक 25/7/2009। ये उसका एड्रेस है जिसने अपने फ्रेंड को पत्र लिख रहा है। और कब लिखा गया? 25/7/2009 को। यहाँ पे दिनांक मतलब डेट। फिर प्रिय मित्र शरद, वो अपने मित्र को बोल रहा है प्रिय मित्र शरद। उसके फ्रेंड का नाम क्या है? मित्र का शरद। नमस्कार, नमस्ते बोल रहा है मित्र शरद। 15 अगस्त का पवित्र राष्ट्रीय पर्व आ रहा है। इसमें क्या बोला कि मित्र शरद 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व, पवित्र पर्व आ रहा है। 15 अगस्त क्या बोलते? इंडिपेंडेंस डे। उस दिन हम क्या बोलते? देश आजाद हुआ था। इस दिन दिल्ली के लाल किले पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी शान से हमारा यह राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। और इस दिन क्या होता है? दिल्ली में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बहुत ही शान से हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या करते हैं? फहराते हैं दिल्ली के लाल किले पर। कहाँ फहराते हैं राष्ट्रीय ध्वज? दिल्ली के लाल किले पर। मैं तुम्हें इसी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताते हुए पत्र लिख रहा हूँ। और वह जो उसका मित्र है, अपने मित्र शरद, को पत्र लिख रहा है इस राष्ट्रीय ध्वज को बताते हुए, उसके बारे में बताते हुए पत्र लिख रहा है। इसके बारे में बताते हुए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। फिर हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की शान है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारे देश की क्या है? शान है। इस झंडे के लिए हजारों वीरों ने अपना बलिदान दिया है। और इस झंडे के लिए, इस झंडे के लिए, राष्ट्रीय ध्वज के लिए हमारे हजारों वीरों ने अपना क्या किया है? बलिदान दिया है और देश को आजाद कराया। और क्या किया? बलिदान दिया और देश को आजाद कराया है। एक लंबी लड़ाई के बाद हमारा देश आजाद हुआ। और एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई के बाद क्या है? हमारा देश जो है आज आजाद हुआ है। और इस राष्ट्रीय ध्वज को लाल किले पर फहराया है। और इस राष्ट्रीय ध्वज को क्या हुआ? आजाद होने के बाद लाल किले पर फहराया गया। तब से यह हर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे को दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 रंगों से मिलकर बना है। कौन कौन से रंग है? इसे तिरंगा भी कहा जाता है। इसमें इसको क्या कहा जाता है? तिरंगा। क्योंकि 3 रंगों से मिलकर बना है इसलिए इसको तिरंगा भी कहते हैं। इस झंडे के हर रंग का अपना महत्व है। और इस झंडे में जो 3 रंग है उसका अपना अपना महत्व है। क्या महत्व है देखते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। सबसे ऊपर क्या है? केसरी रंग का पट्टी है। यह रंग वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। यह रंग क्या है? वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। जो हमारे हजारों वीर बलिदान हुए देश की आजादी के लिए उसकी याद दिलाता है। यह हमारे ऋषि मुनियों, वीर क्रांतियों के त्याग को दिखाता है। यह क्या है? हमारे ऋषि मुनियों के और वीर क्रांतियों के त्याग के बारे में त्याग को याद दिलाता है, दिखाता है। तिरंगे के बीच की पट्टी सफेद रंग की है। तिरंगे के बीच में जो पट्टी है वो क्या है? सफेद रंग की है। जो सच्चाई और पवित्रता के शांति का प्रतीक है। जो क्या है? सच्चाई और पवित्रता की शांति, पवित्रता के साथ शांति की प्रतीक है। सफेद रंग क्या क्या उसका संदेश है? कि सब लोग को सच बोलना चाहिए और पवित्रता के साथ कर शांति का प्रतीक है। सब लोग को शांति बनाए रखनी चाहिए अपने देश में, इसका प्रतीक है सफेद रंग। सफेद पट्टी के बीच एक नीले रंग का चक्र है। सफेद पट्टी के बीच में क्या? नीले रंग का चक्र। आपने देखा होगा राष्ट्रीय ध्वज में हमारे, इसमें 24 तीलियां। इसमें क्या है? 24 तीलियां। 24 मतलब 24 लाइन्स बने हुए हैं ब्लू कलर की। इसे वाराणसी के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और इसे क्या लिया गया है? वाराणसी में एक सारनाथ स्तंभ है, उससे लिया गया है। इस यह चक्र हमें प्रगति की ओर बढ़ने का संदेश देता है। और यह क्या है? हमें प्रगति की ओर मतलब आगे बढ़ने की ओर संदेश देता है। हमारे इस झंडे की तीसरी पट्टी हरे रंग की है। हमारे देश की तीसरी पट्टी हरे रंग की है। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। हरा रंग क्या है? खुशहाली का प्रतीक है। अधिक से अधिक अन्न जाकर ही देश को खुशहाल बनाया जा सकता है। अधिक से अधिक मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जितना हो सके अपनी धरती पर अन्न उगा कर हम लोग देश को खुशहाल बनाते हैं। यह हमारे गाँव और किसानों के परिश्रम की भी याद दिलाता है। और यह जो हम लोग घर का किसान लोग हैं उन लोगों की और गाँव की परिश्रम मतलब बहुत कड़ी मेहनत की याद दिलाता है। कौन सा रंग?
ये किसानों और गांव के परिश्रम की याद दिलाता है। इस झंडे को फैलाने के लिए कुछ नियम है। इस झंडे को कैसे ऐसे ही नहीं फैला दिया जाता है, कुछ नियम है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसे हमेशा सीधा और ऊंचा रखना चाहिए। इसे हमेशा कैसे रखना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज को सीधा और ऊंचा रखना चाहिए। इसकी केसरिया रंग की पट्टी हमेशा ऊपर रहनी चाहिए और इसकी क्या जो केसरी रंग की पट्टी है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसे हमेशा साफ सुथरा ही फहराना चाहिए। इसे क्या करना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा अच्छे से रखना चाहिए और फहराना चाहिए। यह कटा और फटा नहीं होना चाहिए। यह क्या है, कटा और फटा नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें बहुत कुछ पता चल गया होगा, इसी तरह मेरे लिए भी तू अपने पत्र में कुछ जानकारियां लेकर भेजना। तुम्हारा में अब उसने क्या बोला, अब तुम्हें बहुत सारे चीजें पता चल गई होगी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, और इसी तरह तुम अपने पत्र में मेरे लिए कुछ अन्य जानकारी लिखकर भेज दे। तुम्हारा मित्र वरुण। ये किसने लिखा था, वरुण के लिए। वरुण ने लिखा था, किसके लिए लिखा था, शरद के लिए। और किस बारे में लेटर था, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। ठीक है, तो सबको समझ में आया। अभी हम लोग शब्दार्थ करेंगे। ध्वज मतलब झंडा, शान मतलब घमंड या गर्व। अपने देश पर सबको राष्ट्रीय ध्वज को गर्व होना चाहिए, शान है लोगों का वो। आजाद मतलब स्वतंत्र, जो लोगों को 15 अगस्त के दिन मिला था आजादी, उसको बोलते स्वतंत्र। केसरिया मतलब नारंगी रंग, ऑरेंज रंग को बोलते केसरिया रंग। पवित्रता मतलब शुद्धता। प्रतीक मतलब चिन्ह। स्तंभ मतलब खंभा। संदेश मतलब सी। ये सब क्या हो गया आपके शब्दार्थ के, सबको समझ में आ गया।